वेलकम बैक। खबर अंबाला से है, जहां के तोपखाना इलाके की रहने वाली एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के अंतिम संस्कार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महिला की शव के दाह संस्कार के लिए छावनी की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर परिषद की टीम जैसे ही अंबाला के चंद्रपुरा शमशान घाट पहुंचे तो गांव वाले शमशान घाट पर इकट्ठा हो गए और अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़ गए। और थोड़ी देर में गांव वालों ने यहां मौजूद पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया और इस पथराव में कई पुलिस वालों को हल्की चोट भी आई है। गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया। बाद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर गांव की घेराबंदी की गई। पथराव करने वालों को घरों से निकालकर गिरफ्तार किया गया और प्रशासन के आदेश के मुताबिक महिला का दाह संस्कार कर दिया गया। महिला कोरोना सस्पेक्टेड थी और सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, लेकिन रिपोर्ट आना बाकी था। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि ये महिला इन्फेक्टेड है। एक सस्पेक्टेड कोरोना की एक लेडी की डेथ हुई थी जो तोपखाना की रहने वाली थी और सरकार की तरफ से कमेटी की तरफ से कोविड के लिए जो संस्कार संस्थान है वो इस गांव का जो शमशान घाट है उसको बनाया था। तो आज हेल्थ की टीम, कमेटी की टीम और हमारी पुलिस की टीम यहां पे डेड बॉडी लेके आई थी तो गांव वाले लोगों ने उसका विरोध किया और 100-150 आदमी लॉकडाउन तोड़ते हुए यहां पे इकट्ठे हो गए और सरकारी काम में बाधा डाली। जब उनको समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, पथराव किया, जिसके उपरांत पुलिस ने भी अपना अड़कबल प्रयोग किया और उसमें हमने कुछ आदमियों को डिटेन भी किया और उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो होगा वो किया जाएगा। जिसने भी कानून हाथ में लिया और जो आगे लेगा उसके खिलाफ यही एक्शन होगा।